मई में आंधी बारिश और तूफान, भरी गर्मी में भीगे दिल्ली NCR, कई राज्यों में फिर पलटा मौसम, मौसम विभाग का चौंकाने वाला अलर्ट। मई का महीना जहां लू और चिलचिलाती धूप के लिए जाना जाता है, उतना ही कूल कूल महसूस हो रहा है। दिल्ली के लिए सीजन में अप्रैल का महीना भी काफी आरामदायक रहा। पूरे महीने में सिर्फ एक दिन 26 अप्रैल 2024 को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद पारा गिर गया और पिछले 5 दिनों से सामान्य से भी नीचे बना हुआ है। अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, यानी कि दिन की शुरुआत नरम मौसम से हुई। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 38 डिग्री के आसपास भी रह सकता है, हालांकि ये 2 मई के तापमान से 3 पॉइंट ज्यादा रहेगा। IMD के पूर्व अनुमान के मुताबिक आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही तेज सतही हवाएं भी चलेंगी, हालांकि अब हर दिन तापमान में बढ़त दर्ज की जा सकती है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में एक बार फिर तेज धूल भरी आंधी के बाद हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पिछले कुछ दिनों के दौरान पहाड़ों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। इससे पहाड़ों के ढलानों से आ रही तेज हवाओं ने मौसम को आरामदायक बना रखा है। तेज सतही हवाओं ने सुबह सुहावनी कर दी। 4 मई को कमजोर ट्रफ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल जाएगा। इस ट्रफ की वजह से प्री मानसून बारिश और बौछारें शुरू होने की संभावना है। ये बारिश बहुत थोड़े समय के लिए होगी। अगले सप्ताह 9 से 11 मई के बीच दिल्ली NCR में गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहेगा। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तेलंगाना में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में गर्मी के साथ उमस परेशान कर सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं गुजरात में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आंधी और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में सुबह हल्की ठंड महसूस की गई। वहीं शनिवार से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 मई को प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 मई से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने का अनुमान है, हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखेगा।